Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna. हरे कृष्णा, आज के सेशन में वी वेलकम यू। तो स्टार्ट करते हैं हम भजन से। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण गा के अपने गुरुजनों से आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना यानी मिशन की स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरुं श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगुण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्यम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पिया माता जी ने लिखा है, प्लीज रेज वॉल्यूम फ्रॉम योर एंड। आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है सबको या कुछ इशू आ रहा है? क्लियर है, ओके ठीक है। तो कल के सेशन में हमने चैप्टर 2 को रिवाइज किया था एंड चैप्टर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन का क्वेश्चन था, वो भगवान से कहते हैं कि मैं आपके इंस्ट्रक्शन से कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज्यादा और आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो भगवान इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, जो बॉटम लाइन होती है वो ये बोलते हैं कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी, जो अपने कर्म करते चले जाना है। फिर हमने समझा था कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कोई बताएंगे, किसी को याद है कर्म, विकर्म और अकर्म हमने क्या समझा था? आप अनम्यूट कर सकते हैं या आप चैट पे भी लिख सकते हैं। Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. May I? Yes Mataji, please. अच्छा, सकाम कर्म वो कर्म है जो हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए. Yes Mataji. और उसके बाद अकर्म, ये हुआ हमारा सकर्म. फिर अकर्म वो कर्म है, सॉरी उससे पहले है विकर्म. वो कर्म है जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अनुकूल है या नहीं हमें इसकी भी हम नहीं सोचते, यानी कि मोस्टली वो शास्त्रों के विपरीत होता है, तो उसे बोलते हैं विकर्म. लेकिन वो कार्य जो शास्त्रों के अनुकूल तो है ही, लेकिन हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, हम कृष्णा के को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं या कृष्णा को प्लीज करने के लिए करते हैं, वो हमारे होते हैं अकर्म. यस माता जी, परफेक्ट. तो जो कर्म होता है, सकर्म क्या होता है? सकर्म और विकर्म दोनों हम अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सकर्म हम कर रहे हैं वो इट इज एज पर द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अकॉर्डिंग है. विकर्म स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं है. और अकर्म क्या है? वो हम अपने लिए नहीं करते, वो हम कृष्णा के लिए करते हैं, कृष्णा के सेंसेस को सैटिस्फाई करने के लिए करते हैं. उसके बाद हमने जो अगला श्लोक है, एक मिनट में स्क्रीन पे दिखाती हूँ नेक्स्ट श्लोक. हमने उसके बाद जो 13 श्लोक है, हमने वो श्लोक पढ़ा था. उसमें क्या था? भगवान क्या कहते हैं? भगवान के जो भक्त हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन, यानी कि हम प्रसाद की बात कर रहे हैं, उसको ही खाते हैं. अन्य लोग, जो लोग अपनी इंद्र सुख, अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करने के लिए जो प्रसाद, जो भोजन खाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं. इस श्लोक में ये बताया. और हमने क्या पढ़ा था कि जो बनाया हुआ, जो ये जो खाना होता है, इसमें क्या होता है, ये जो खाने में बहुत सारे कर्माज होते हैं. इस पूरे प्रोसेस में, जो पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? बीज के बोने से स्टार्ट होता है, फिर फसल के उगने तक, फिर किसने फसल काटी, किसने उसको बेचा, कौन डीलर बीच में आया, किसने, उसने किस तरह से पैसे कमाए. तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें हर प्रोसेस के साथ, हर एक स्टेप पे जो है वो अलग अलग कर्म जुड़े होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म. और ज्यादातर हमने पढ़ा था, ज्यादातर जो है बुरे कर्म होते हैं. और वो जो खाना हम खाते हैं, वो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, क्या होता है कि उसमें वो सारे कर्मास ऐड हो चुके होते हैं. और वो उन सब लोगों का थोड़ा थोड़ा कर्म जो है, जो फल जो है वो हमें भी मिलता है. और फिर जैसे कि मान लीजिए एक फ्रूट है, मार्केट से एक फ्रूट लेके आते हैं, बट जिसने वो सीड डाला, उस फ्रूट का जिसने वो सीड डाला, उससे लेकर जब वो पेड़ उगा, किसने उसको काटा, दुकान पे गया, तो इस पूरे प्रोसेस में जो वो कर्मा ऐड हो जाते हैं. और उससे बचने का जो बेस्ट तरीका है वो है, भगवान ने जो बताया कि हम जो भी खाते हैं भगवान को ऑफर करके खाते हैं, ये हमने समझा यहाँ पे. अब फिर जो भगवान है वो अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना तो इम्पोर्टेंट है, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो हमें छोड़नी नहीं है, मगर हमें रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना. तो भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं कि हमें रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना. क्यों नहीं होना हमें रिजल्ट्स के साथ अटैच, वो हम बात करेंगे, लेकिन भगवान एग्जाम्पल्स देते हैं. और भगवान क्या कहते हैं उसमें, दो लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं. एक का एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था. और भगवान ने क्या बताया, क्योंकि जो लोग है ना, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. तो सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं भगवान जनक महाराज का, कि कैसे जनक महाराज अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अच्छे से करते थे. और जो लोग क्या करते हैं, वो लीडर को फॉलो करते हैं. कोई भी एक्शन अगर जो लीडर है वो कर रहा है, तो लोग लीडर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये बताते हैं. अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट श्लोक है. नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, हमने कल 3.21 तक किया था. 3.22 में, जिसमें भगवान सेकंड एग्जाम्पल जो देते हैं, सेकंड एग्जाम्पल किसका है, जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भगवान अपना देते हैं. भगवान बोलते हैं कि जो सेकंड जो एग्जाम्पल वो देना चाह रहे हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब फॉर मी, मतलब मेरे लिए तो इन 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स में, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम प्रिस्क्राइब नहीं है. Nor I am in want of anything, मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है. Yet I am engaged in prescribed duties, भगवान कहते हैं. तो कैसे भगवान, मतलब अभी हम एक वीडियो देखेंगे कि कैसे भगवान द्वारका में रह के और अपने सारे निर्धारित कार्य करते हैं, फिर हम उसको डिटेल में समझेंगे. मैं एक वीडियो दिखाती हूँ पहले आपको. Krishna in Dwarka. In Dwarka, Krishna peacefully lies down with his wives. He rises up early in the morning, 3 hours before sunrise. The wives of Krishna are so attached to him that as soon as the cocks crow, they condemn the crowing. An ideal householder must learn from Lord Krishna how to rise early in the morning, no matter how comfortably situated one is. Early in the morning, a mild breeze would carry the aroma of parijat flowers that Krishna would smell. The humming of bees and sweet chirping of birds sounded like the singing of professional chanters engaged in offering prayers to Dwarkadhish. Lord Krishna would then wash his lotus-like hands and feet and meditate on himself. He was teaching us that early morning hours should be utilized for meditation on Sri Radha and Krishna, which is very satisfying. After meditating, the Lord would bathe in clear sanctified water and offer prayers to Sun God. He would then offer respects to demigods, great sages, as well as the forefathers. Although the Lord is full of divine beauty, he would dress himself in yellow-colored garments and put on his necklace of Kaustubha jewels. He would wear flower garlands and smear his body with sandalwood pulp. It is said that the ornaments themselves became beautiful upon being placed on the transcendental body of the Lord. The Lord would then visit Lord Shiva's temple along with other temples. There were many Brahmanas who would come daily to see the Supreme Lord before honoring their breakfast. The Lord welcomed them graciously. His next duty was to give cows in charity to the Brahmanas. Lord Krishna used to give as many as 13,000 cows every day in charity. Each cow was decorated with a silken cover and pearl necklace. Their horns were gold-plated and hooves silver-plated. All the cows in Dwarka were full of milk due to having their firstborn calves with them. They were very tame and peaceful. The Brahmanas were also given silken garments, deer skin, and sesame grains. Lord Krishna is known as Go Brahmana Hitayacha, which means that he always desires the welfare of cows and Brahmanas. Lord Krishna would please all kinds of men belonging to different castes, both in the city as well as the palace compound. He made them happy by fulfilling their different desires. And when the Lord saw them happy, he also became very pleased. The flower garlands, betel nuts, sandalwood pulp, and other fragrant cosmetic articles which were offered to the Lord would be distributed by him first to the Brahmanas and elderly members of the family, then to the queens and ministers. If there was still some remaining, he would utilize it for his own personal use. By the time the Lord finished all his daily duties, his charioteer Dwaraka would come with folded hands, intimating that the chariot was ready. The Lord would then ride on his chariot, accompanied by Uddhava and Satyaki. Then the Lord would go to the assembly house, known as Sudharma, which was taken from the heavenly planets. and was re-established in the city of Dwarka. The significance of this assembly house was that anyone who entered it would be freed from the 6 kinds of material pangs, namely hunger, thirst, lamentation, illusion, old age and death. In the assembly house, there were professional jokers, dancers, musicians and learned brahmanas who chanted Vedic hymns. The Lord, accompanied by his associates, would be very pleased to hear them. Later in the evening, the Lord would play various adventure games with his children. In this way, Dwarkadhish Krishna enacted his wonderful pastimes in Dwarka. हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान खुद से सारे मतलब एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बहुत अच्छे से करते थे। तो वो अब अर्जुन को अपना एग्जाम्पल देके अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं कि वो अर्जुन, मुझे कोई भी निर्धारित कार्य प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ इस धरती पे नहीं बल्कि इन 14-14 लोकों में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के जो 14 लोक हैं उनमें से कहीं पे। तो अगर हम समझे तो ये जो यूनिवर्स है पूरा, इसमें 14 लोक हैं। धरती से 7 लोग ऊपर और 6 लोग नीचे। तो जो 7 लोग ऊपर हैं वो सारे स्वर्ग लोग कहलाते हैं, और उसके बाद जो उनको स्वर्ग लोग भी बोलते हैं। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं तीनों लोकों में। तो तीनों लोगों का डिवीजन ये है, जो ऊपर के लोग हैं उनको उच्च लोग बोलते हैं, सेलेस्टियल प्लैनेट स्वर्ग लोग होते हैं वो सारे। उसके बाद आता है धरती लोग, और उसके बाद धरती मध्य में है, और जो नीचे के लोग हैं उसको अध लोग भी बोलते हैं। तो हमारा जो है भूलोक, फिर भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनसलोक, तपसलोक एंड सबसे ऊपर सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, और सत्यलोक क्या है, वो ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मलोक। मगर वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं आता, वो यही मटेरियल वर्ल्ड में आता है। ये जो यूनिवर्स का ही एक मटेरियल यूनिवर्स का एक पार्ट है। और जो नीचे के प्लैनेट्स हैं वो कौन से, तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल, सतल। तो नीचे के ये प्लैनेट्स हैं। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हम कॉमन लोग होते हैं, हमारे कितने काम होते हैं, लेकिन कृष्णा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी मैं अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो धरती पे आके अच्छे से करता हूँ। मगर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सबके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। कि मतलब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णा जो है उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या है कि कृष्णा को प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है? तो पहला है कि उनको कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जो है वो लॉ मेकर है, वो खुद ही सुप्रीम भगवान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। उनके लिए कोई भी नियम, कोई भी रूल वो नहीं है। वो जब चाहे जो रूल्स है सृष्टि के वो रूल बना सकते हैं, जब चाहे वो चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में आता है, फर्स्ट कैंटो में 3rd चैप्टर का 28 श्लोक है, जिसमें क्या लिखा है, कृष्णा तो भगवान स्वयं, मतलब कृष्णा स्वयं भगवान है और वो पूर्ण है। सर्व कारण कारणम, मतलब हर कारण का, हर एक कॉज का वो कॉज है, वो ही हर कॉज का कॉज है। तो रूल उनके लिए नहीं है। एग्जाम्पल हम ले, जैसे अगर एक रोड पे हम जा रहे हैं, वहां पे रेड लाइट है, तो वो रेड लाइट आपको और मुझे फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए जो इंडिया का मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आ जाए, मोदी आ जाए, तो वो रेड लाइट उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी की जो पोजीशन है वो हमसे बहुत ऊपर है। अब ये तो हाल मतलब एक नॉर्मल सी कंट्री के एक प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर रूल्स नहीं है तो वो तो भगवान है। ये तो वही बात है कि अगर हम नीचे रोड पे खड़े हैं, रेड लाइट फॉलो कर रहे हैं, तो ऊपर अगर प्लेन उड़ रहा है तो हम एक्सपेक्ट करें कि प्लेन क्यों रेड लाइट के लिए रुक नहीं रहा है। तो प्लेन के लिए कोई रूल नहीं है क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है। ऐसे ही कृष्णा है, उनके लिए कोई रूल नहीं है, उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर जरूरत नहीं है तो वो करते क्यों है? वो भी इन्होंने बताया, क्योंकि जो लीडर है उसको सब फॉलो करते हैं। पेरेंट्स को देख के बच्चे फॉलो करते हैं, कोई कंपनी का मैनेजर है, मैनेजर को देख के टीम मेंबर्स फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही कृष्णा जो है वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और कृष्णा कह रहे हैं कि अगर वो नहीं फॉलो कर अपनी जो रूल्स, अगर वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करेंगे तो लोग जो है उनको फॉलो करेंगे। फिर 3.25 में कृष्णा दो तरह के लोगों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ, तो कह रहे हैं कि एक जो होते हैं अविद्वान और दूसरे कौन होते हैं, वो जो विद्वान होते हैं। तो ये भौतिक जगत के मटेरियल वर्ल्ड के विद्वान अविद्वान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कि अगर किसी के पास डिग्री है, कोई एजुकेटेड है तो विद्वान है, कोई अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है तो वो अविद्वान है, वो बात नहीं हो रही है। यहाँ शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात हो रही है। विद्वान कौन है? जिसने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का जो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, मुझे वो पर्पस को कैसे अचीव करना है, मुझे वो टारगेट कैसे अचीव करना है, जिसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ रिलेशन क्या है। जो ऐसे जो विचार रखते हैं, जो उनके टुवर्ड्स काम करते हैं, वो विद्वान है। और अविद्वान कौन है? वो जिनको कुछ नहीं पता कि वो कौन है, भगवान कौन है, वो बिल्कुल इल्यूजन में है, माया में है, वो बिल्कुल भ्रम में है। तो बता रहे हैं कि अविद्वान होते हैं वो जो अपने कर्मों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और कर्मों से ही नहीं बल्कि कर्मों के जो रिजल्ट्स हैं उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो भी कर्म करते हैं मगर वो अटैच नहीं होते, आसक्त नहीं होते अपने कर्मों के रिजल्ट से, ना तो अपने कर्मों से ना कर्मों के रिजल्ट से, दोनों से अटैच नहीं होते। और कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम एक विद्वान हो, तुम वो दूसरी वाली कैटेगरी में आते हो, तुम भी क्या करो, बिना जो फल की इच्छा के तुम कर्म करो, अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम कर्म करो। तो अगर बाहर से देखा जाए तो ये जो विद्वान होते हैं और अविद्वान होते हैं दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों के सिमिलर कर्म होते हैं, दोनों ऑफिस जाते होंगे, दोनों मार्केट जाते होंगे, सब सिमिलर कर्म करते होंगे। लेकिन फर्क क्या है? दोनों के भावों में बहुत फर्क है। मतलब अविद्वान जो है वो फलों से अटैच होके कर्म करता है, लेकिन जो विद्वान है वो क्या करते हैं, वो अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करने के लिए कर्म नहीं करता, वो कृष्णा के लिए कर्म करता है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। नेक्स्ट श्लोक तो ये जो श्लोक है क्या 3.27, इसमें क्या है, प्रकृते क्रिया मनानि गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब इसमें क्या है 3.27 एक मिनट, तो प्रकृते क्रिया मनानि गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जीव आत्मा जो है वो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने को समस्त जो कर्मों का कर्ता, डूअर ऑफ एक्टिविटीज मान बैठता है, जबकि एक्चुअल में ये जो जितने भी कर्म है प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? भगवान क्या कह रहे हैं कि पहली लाइन में कि प्रकृति क्रिया मनाने की, ये प्रकृति है जो सारे कार्य कर रहे हैं। कैसे? कि प्रकृति के जो तीन गुणों द्वारा जो सब काम हो रहे हैं। और ये जो प्रकृति के तीन गुण है ये कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के अलग अलग भाव होते हैं और जो तीन गुण हैं इनके अकॉर्डिंग कार्य हो रहे हैं। तो इसमें हम एक कठपुतली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर जैसे हम कठपुतली को देखें तो वो हिल रही है, कठपुतली अपने एक्शंस परफॉर्म कर रही है, खेल देख रहे हैं हम, बट एक्चुअल में जो वो कठपुतली है वो ऊपर धागों से बंधी हुई है, वो खुद से अपने कार्य नहीं कर रही है। उसी प्रकार हम भी कठपुतली हैं और हमें क्या क्या चला रहा है, ये प्रकृति के तीन गुण हमें चला रहे हैं। और तीन गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन तीनों गुणों की। जैसे अगर कोई सतोगुण में है तो उसका नेचर कैसे होगा कि वो बहुत कंपैशनेट होगा, मतलब लोगों के लिए उसके अंदर बहुत दया भाव होगा और बहुत पेशेंट होगा, बहुत धैर्यवान होगा, पेशेंट होगा, बहुत सिंपल सा होगा, उसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, ज्यादा डिजायरस नहीं होगा, वो उसको डिजायर्स नहीं होंगी बहुत ज्यादा चीजों की। तो ऐसे ही लोग मतलब वो सतोगुण में है। रजोगुण में कैसे होते हैं? जैसे कि मान लो किसी को बहुत अच्छा दिखने का, मतलब बहुत ज्यादा द पर्सन वांट्स टू लुक गुड और हर टाइम अपनी लुक्स पे जाता है ध्यान। ऐश्वर्य में, भोग में, ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। जो त्याग करने का भाव है उनमें नहीं है, करुणा उनमें नहीं है, कंपैशन नहीं है, और जैसे निंदा करना, बुराइयां करना और ईर्ष्या करना, जेलसी की फीलिंग होना, तो और बहुत ज्यादा बोलने का स्वभाव होना, तो ऐसे लोग रजोगुण में होते हैं। तमोगुण में क्या है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट होना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा आना, या ये विचार रखना कि उसको प्रॉब्लम हो जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मतलब बहस करना हर टाइम, बहुत ज्यादा जेलस फील करना, ये तमोगुण की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कुछ लोग मतलब विमूढ़ आत्मा, वो अहंकार में रहते हैं। और कौन सा अहंकार, यहाँ पे ये जो मटेरियल वर्ल्ड का अहंकार है उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ अहंकार कौन सा, कि अपने आप को शरीर समझते हैं, अपने आप को बॉडी समझते हैं, और वो आत्माएं अपने आप को कर्ता समझते हैं, सोचते हैं कि मैं हूँ जो ये सारे कार्य कर रहा हूँ, मगर कर कौन रहा है, प्रकृति के तीन गुण कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है झूठा अहंकार है। मगर वो जो नॉर्मल हम अहंकार समझते हैं, एटीट्यूड वाला, वो नहीं, मगर अपने आप को बॉडी समझने वाला जो अहंकार है। और ये जो पूरी जो सृष्टि है, अभी मैं आपको बता रही थी मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो 1/4 जो है वो 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड, वो जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है, और जो 3/4 है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और हम जो सोल्स हैं सारी, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई हैं यहाँ पर। तो हम कृष्णा का एक पार्ट हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कन्विंस्ड है कि कृष्णा ही एंजॉयर हैं, वही भोक्तारम है, वही जो है वो कंट्रोलर है। लेकिन हम यहाँ पे जो सोल्स हैं, हम भी वहीं पे थे, बट हमें लगा कि हम क्यों ना एंजॉय करें, कृष्णा के लिए क्यों एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी एंजॉय करना है। जैसे अगर हम बॉडी के पार्ट्स का एग्जाम्पल लें, तो ये जो बॉडी है इसके सारे जो पार्ट्स हैं, ये हाथ है, पैर है, जीभ है, ये मुंह है, ये सब शरीर के अंगों का जो काम है, इन सब का काम क्या है, इन सबको टुगेदर दे हैव टू वर्क फॉर फिलिंग माय स्टमक। मतलब इनको मेरा पेट भरने के लिए इनको काम करना है अच्छे से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हेल्दी रखना है। सारी एनर्जी जो खाने से मिलती है वो पेट के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब किसी दिन मान लीजिए अगर ये बॉडी के पार्ट सब मिलके सोचें कि ये तो गलत है, हम क्यों इतना पेन लें, हम क्यों खाना ढूंढें, सारी मेहनत करें, खाना तो हम एंजॉय कर नहीं पाते हैं, सारा खाना तो ये पेट ही एंजॉय करता है, ये टंग सोचे कि 2 मिनट के लिए मेरे पे खाना आता है, बाकी पेट में चला जाता है। तो ये सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम ना स्ट्राइक करते हैं, तो ये सब बॉडी के पार्ट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उन्होंने पेट को खाना देना बंद कर दिया। तो एक दिन बाद क्या हुआ कि जो बॉडी के पार्ट्स थे वो थका हुआ फील करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद वो उठ नहीं पा रहे थे, जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मतलब ऐसा हो गए थे, इतना थक गए थे कि उठ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जो बॉडी पूरी बेड पे पड़ी रही। 4 दिन बाद क्या हुआ कि शरीर एकदम मरने वाली हालत में हो गया। और फिर फाइनली बॉडी के पार्ट्स ने सोचा कि चलो मतलब ये जो स्ट्राइक है खत्म करते हैं, क्योंकि सफर तो हम ही कर रहे हैं। तो वो वापस से काम पे लग जाते हैं, और काम क्या, उनको दोबारा से पेट को भरने की उनको जो है तरीके ढूंढने हैं, कैसे उनको अर्न करना है और पेट को भरना है। बिल्कुल इसी तरह हम जो सोल्स हैं, हम जो सारे उन शरीर के पार्ट्स की तरह, हाथों पैरों की तरह, हम रिबेलियस विरोधी हो गए एकदम, और हम कृष्णा के पार्ट हैं, हम कृष्णा के अंश हैं। लेकिन हम रिबेलियस होके हमने सोचा कि नहीं, कृष्णा क्यों एंजॉय करें, हमें भी एंजॉय करना है, वो क्यों कंट्रोल करें, हमें भी कंट्रोल करना है। तो उसी तरह से हम अगेंस्ट हो गए कृष्णा के, और इस वजह से हम यहाँ पे आ गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, क्योंकि कृष्णा ने बोला कि ठीक है तुम्हें एंजॉय करना है तो तुम वहां जाके एंजॉय करो। और जब तक हम ऐसे ही समझेंगे अपने आप को, हम अपने आप को बॉडी समझते रहेंगे, तो तब तक हम यहीं पर ही रहेंगे। अब यहाँ पे है तो माया से हम भ्रमित है, क्योंकि वो माया जो है ना, माया से छूटना बहुत आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए हमें सिर्फ यही है कि हमें कृष्णा को पुकारेंगे तो ही हम माया से छूट सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस झूठे अहंकार में, फॉल्स ईगो में रहते हैं, और अपने आप को हम फिर बॉडी समझते हैं। ऐसे में एक स्टोरी आती है, जवाहरलाल नेहरू की स्टोरी आती है, रियल स्टोरी है ये, जिसमें क्या होता है, एक बारी जवाहरलाल नेहरू जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो किसी मेंटल हॉस्पिटल के राउंड लगाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए वो जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उनको सारा जो हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल दिखाया, उनको अलग अलग वार्ड्स दिखाए उनको, मगर एक ऐसा वार्ड था जहाँ पे सबसे खतरनाक पागलों को रखा जाता था, तो वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया। बट जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे देखना है। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो उनको वहां ले गए। तो ऐसे देखा जाके तो एक बहुत बड़ा रूम था, उसमें एक जो इंसान है वो तैयार होके बैठा हुआ था, बिल्कुल एकदम सूट बूट में तैयार होके बैठा हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि ये तो पागल नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे उसके पास गए, उससे हाथ वाथ मिलाया, हैंडशेक किया, उसको हेलो बोला, उसने भी बिल्कुल एकदम एजुकेटेड इंसान की तरह हाथ वाथ मिलाया जवाहरलाल नेहरू के साथ। और तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको बोला कि अपना नाम बताया हैंडशेक करने के बाद, और बोले कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। तो वो ऐसे उठा, जवाहरलाल नेहरू के पास गया और उनके कान में बोला कि ये बात ना यहाँ किसी को मत देना, क्योंकि मैंने इन लोगों को यही बात बोली थी और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब मुझे पागल खाने में बंद कर दिया। तो मतलब क्या था कि उस जो पूरी तरह से उस पागल को यकीन था, उसको पूरी तरह से ये यकीन था कि नेटवर्क इशू आ रहा है, माता जी का मैसेज आया नेटवर्क इशू आ रहा है, और लोगों को भी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नहीं माता जी, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू को उसने बोला कि मैंने भी यही बोला था, और मैंने ये बोला था कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ और जवाहरलाल नेहरू हूँ, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मुझे स्पेशल वार्ड में रख दिया, मुझे बड़ा सा पागल समझा और स्पेशल वार्ड में रख दिया। तो उसमें क्या था एक्चुअली, क्योंकि वो इंसान वो है नहीं, मगर वो अपने आप को समझ रहा है। मतलब सबसे बड़ा पागल कौन है? वो जो वो होता नहीं है मगर वो अपने आप को समझता है। उसी तरह से हम भी अभी इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस पागलखाने में हैं, और जो हम नहीं है वो हम खुद को समझते हैं। जैसे अपने को किसी का बेटा, किसी का भाई, इस कंट्री का सिटीजन, ये सब हम अपने आप को समझते हैं। और कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे लोग विमूढ़ हैं, मतलब वो अपने आप को, जो वो है नहीं, वो अपने आप को समझते हैं। और जब तक से हम वापस से ये नहीं मान लेते कि हम एक आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, हाँ, और हम कृष्णा के सेवक हैं, तब तक हम यहीं पे ही भटकते रहेंगे। क्योंकि जब तक ये शरीर अपने आप को समझेंगे, तब तक इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको अपना समझेंगे। ये मैंने किया, ये मेरा घर, ये सब कुछ ऐसा अपना समझेंगे। लेकिन कृष्णा बता रहे हैं कि हम जो है वो करता नहीं है। और लेकिन जब आत्मा इस धरती पे आती है, क्योंकि वो आत्मा यहाँ की नहीं है, तो वो इच्छा रख सकती है, मगर उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसको एक बॉडी चाहिए, उसको एक शरीर चाहिए। और वो शरीर कौन देता है? ये प्रकृति जो है वो शरीर देती है। और जैसे हमने कल बात की थी, प्रकृति शरीर कैसे देती है? हमारे कर्मों के हिसाब से। और ये शरीर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ एक यंत्र है, मतलब ऐसा ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। मगर जो एक सोल है उसको इतनी इंडिपेंडेंस होती है, उसको माइन्यूट इंडिपेंडेंस होती है कि वो चाहे तो इन तीन गुणों में से किसका वो संग करना चाहता है, किस गुण में वो जाके एसोसिएट होना चाहता है, इतनी इंडिपेंडेंस सोल में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अपने को कर्ता समझते हैं, तो हम अपने आप को कर्ता समझते क्यों हैं? वो इसलिए समझते हैं क्योंकि अगर हम कर्ता नहीं समझेंगे अपने आप को, तो हमें लगेगा कि हम उस फलों के लिए एंटाइटल नहीं है, हम एलिजिबल नहीं है। हम कर्ता होंगे तभी तो हम फल भोग पाएंगे, तो इस वजह से हम अपने आप को कर्ता समझते हैं। और जो शरीर है ये हमें पिछले जन्मों के जो भी हमने कर्म किए उनके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुआ है। तीन गुणों में से हमने जिसका हम गुण ज्यादा करेंगे, जिस गुण का हम एसोसिएशन ज्यादा करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें वो शरीर प्राप्त होगा। लेकिन आगे क्या है, जो कृष्ण भावनामृत लोग होते हैं उनकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। उनको भी शरीर डेफिनेटली लास्ट लाइफ के हिसाब से, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलता है। लेकिन जो वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तो कृष्णा क्या बोलते हैं, आगे हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, कृष्णा बोलते हैं कि फिर वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाते हैं। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। परीक्षित महाराज कौन थे? अर्जुन जो है, अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु के जो पुत्र हैं वो थे परीक्षित महाराज। तो उनकी स्टोरी आती है, वो क्या थे, मतलब पूरी पांडवों के जाने के बाद पूरी जो धरती थी उसको वो रूल करते थे, राजा थे उस टाइम। और उनको एक ब्राह्मण के एक बच्चे ने, मतलब छोटा बच्चा था, उसने श्राप दे दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन्होंने ब्राह्मण के गले में कुछ, मतलब एक लंबी स्टोरी है, ब्राह्मण के गले में उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाल दिया, तो ब्राह्मण के बेटे ने उनको श्राप दे दिया कि तुम 7 दिन के अंदर मर जाओगे। लेकिन उनके लिए क्या था, मतलब एकदम से परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, मतलब एकदम से बिविल्डर नहीं हुए बहुत ज्यादा कि क्या हो गया, इतनी उनकी कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं थी कि मेरा तो इतना बड़ा राज्य है, मैं तो पूरे वर्ल्ड का रूलर हूँ, मैं कैसे सब छोड़ दूँ। उनके लिए बहुत आसान था। मतलब एकदम से सब छोड़ छाड़ के वो जैसे ही उनको श्राप मिला जाके गंगा के तट पे जाके बैठ गए और भगवान की कथा सुनने में लग गए, क्योंकि उनको पता था कि वो जो भी ये राज्य कर रहे हैं वो कृष्णा के सर्वेंट हैं और जो भी वो राज्य कर रहे हैं वो कृष्णा की विल के हिसाब से कर रहे हैं और वो कृष्णा के बिहाफ पे कर रहे हैं। और हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कृष्णा क्या बोलते हैं कि मैं ही जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि भी मैं हूँ, जो जीतते हैं लोग उनकी जीत भी मैं हूँ। सब कृष्णा आगे बताएंगे कि सब कुछ कृष्णा ही है। अब हम अगर अपने आप को कर्ता समझते हैं तो हम ऐसे बिहेव करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक चम्मच है, जैसे हम कैसे बिहेव करते हैं, चम्मच से अगर हम खीर खा रहे हैं तो वो चम्मच ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैं मतलब खीर खिला रहा हूँ। चम्मच तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, खीर तो हम हाथ से उठा के खा रहे हैं। सो सिमिलरली हम भी, वी आर नॉट द डूअर्स, हम डूअर नहीं है, हम कर्ता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हम 28 श्लोक पे आते हैं। फिर कृष्णा वहां क्या बोलते हैं कि जिसको सच पता है, क्या सच पता है कि हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, ठीक है। वो क्या है, वो जो जिसको ये सच पता है वो क्या करेगा, वो अकर्म करेगा, मतलब वो फिर कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भौतिक जितने भी मटेरियल वर्ल्ड के जो कार्य हैं, अगर हमें, जैसे हमने कल महाराज निमि की स्टोरी पढ़ी थी कि अगर हम कोई भी पुण्य करते हैं तो भी हमें पुण्य के जो कर्म, पुण्य का फल लेने आना पड़ेगा, पाप करते हैं तो पाप का फल लेने आना पड़ेगा। तो लेकिन जिसको ये सब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरा, वो क्या करेगा, वो अकर्म करेगा। ऐसे जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई कैदी है किसी जेल में, वो बहुत मेहनत करता है और उसे रोज की 2 सूखी रोटियां खाने को मिलती हैं जेल में, तो वो अगर थोड़ी और मेहनत करेगा तो उसको 2 सूखी रोटियों की जगह 3 सूखी रोटियां खाने को मिल जाएंगी। तो वो जो कैदी है वो देखा जाए तो मूर्ख है बहुत बड़ा, क्योंकि क्या होगा, अगर कोई भी समझदार कैदी होगा तो वो ये मेहनत करने के बजाय कि मुझे 2 की जगह 3 सूखी रोटियां मिले, वो ये मेहनत करेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब मैं इस जेल से छुट्टी मेरी जल्दी हो जाए, मैं बाहर निकल जाऊं, मतलब वहां पे रह के रोटियां इंक्रीज करने के बजाय वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो सिमिलरली हम उसी तरह उसी जेल में ही हैं। अगर हम बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं यहाँ पे इंजॉय करने की, तो ये वही बात है कि हम 2 की जगह 3 सूखी रोटियों के लिए एंडेवर कर रहे हैं। अगर हम सत्वगुण में हैं तो भी हम चेन से बने हैं, हाँ सोने की चेन है, रजोगुण में है तो चांदी की चेन से बने हैं, अगर तमोगुण में है तो लोहे की चेन से बने हैं, बट चेन से तो हम डेफिनेटली बने हैं और चेन से बनना तो किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो हम कितनी भी अगर मेहनत कर लें अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करने के लिए, अच्छा कमाने की कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, बेस्ट ये है कि हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि किसी को अगर ये सच समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, तो वो डेफिनेटली बाहर निकलने की ही कोशिश करेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद 30वें श्लोक में कृष्णा जो है अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने जो सारे कार्य हैं, अपने जितने भी क्रियाएं हैं, आपके जितने भी कार्य हैं, आपके जितने भी कर्मा हैं, जो भी आप करते हो, आप सब कुछ मुझे समर्पित करो, मुझे डेडिकेट करो। तो क्या समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब सुबह 5 मिनट मैंने जोत जला दी, आरती कर ली और मेरा काम खत्म, मैंने पूजा कर ली। कृष्णा वो नहीं कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करते हो, एक एक कार्य, चाहे वो सोना हो, उठना हो, खाना हो, ऑफिस जाना हो, घर का काम करना हो, कुछ भी हो, जो भी आप कार्य करते हो, सारे कार्य आप मुझे समर्पित करो। और यही हमें सीखना है कि कैसे हम हर चीज कृष्णा को सेंटर में रख के कृष्णा को डेडिकेट कर सकते हैं, कि जो भी हम कोई भी काम करते हुए हम कृष्णा को याद करें। हमें ये सीखना है कि ये जो है हमारा नेचर बन जाए, हमारी आदत बन जाए कि हम हर काम जो है कृष्णा को डेडिकेट करते हुए करें। अब हमें ऐसे लगेगा कि ये तो क्या कितना मुश्किल काम बता दिया, मतलब कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर टाइम कृष्णा को याद करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट ये है आदत डालने के ऊपर है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो अब जैसे मान लीजिए बैंक में, इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। बैंक में मान लीजिए कोई काम करता है, कोई कैशियर है, उसका काम क्या है कि उसका काम है पैसे काउंट करना। तो कभी तो वो लाखों रुपए एक दिन में काउंट कर लेता है और किसी दिन में सिर्फ बैंक में थोड़े से ही पैसे डिपॉजिट हुए, मान लीजिए कुछ 1000 रुपए डिपॉजिट हुए, तो वो थोड़े से 1000 रुपए काउंट करता है। तो अब वो जो कैशियर है, जिस दिन बहुत ज्यादा पैसे डिपॉजिट हुए तो क्या वो बहुत खुश हो जाता है, या फिर किसी दिन बहुत कम पैसे डिपॉजिट हुए तो क्या वो बहुत परेशान हो जाता है कि अरे यार इतने कम पैसे डिपॉजिट हुए आज। ऐसा नहीं है, वो हमेशा बैलेंस रहता है क्योंकि उसको पता है कि कितने भी पैसे गिन लूं मेरी सैलरी तो फिक्स्ड है, चाहे कम गिनूं चाहे ज्यादा गिनूं, मेरे ये मेरे पैसे थोड़ी ना है, मेरा तो जो बॉस है मेरा काम है मुझे अपने बॉस को खुश रखना है बस। और जब तक मेरा बॉस मेरा मैनेजर खुश है, मेरे जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कोई भी जॉब हो, मतलब चाहे वो कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है, टीचर है, तो जब तक हम हमारे जो मैनेजर हमारे जो सुपरवाइजर हमारे जो सीनियर हैं वो खुश हैं तब तक हम परेशान नहीं होते। तो सिमिलरली जब तक कृष्णा हमसे खुश हैं तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई सेल्समैन है, कोई लेडी साड़ी खरीदने के लिए किसी दुकान में गई है, वो सेल्समैन से मतलब 10 साड़ियां खुलवा लेती है, 20 साड़ियां 100 साड़ियां खुलवा लेती है, मगर सेल्समैन क्या है वो अपना स्माइल करते करते अपनी साड़ियां खोलता चला जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो लेडी है ये साड़ी खरीदे या ना खरीदे, मेरा जो बॉस है मेरा जो मालिक है ना दुकानदार जो है जो जिसकी ये दुकान है वो तभी खुश होगा अगर मैंने जो जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे अच्छे से अगर बात की, ठीक से बिहेव किया उनके साथ, वो तभी खुश होगा। और ये सेल्समैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ड्यूटी है अपने मालिक को खुश रखना। तो इसी तरह से हमारे लिए भी यही है, कैसी भी सिचुएशन हो कुछ भी प्रॉब्लम हो हम किसी से भी बात करते हैं हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हम ये ध्यान में रखें कि अगर हम इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करते हैं तो कृष्णा खुश होंगे कि नहीं होंगे, कृष्णा को कैसा लगेगा, मतलब हम कोशिश करें कि हम हर चीज कृष्णा से रिलेट करें। अब आगे क्या बोलते हैं कृष्णा, निराशीर निर्ममो भूत्वा, मतलब निराशीर मतलब किसी भी इच्छा के बिना, यानी कि कौन सी इच्छा की यहाँ बात हो रही है, जो मटेरियल इच्छा की यहाँ बात हो रही है। स्पिरिचुअल इच्छाएं हम रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम रखें कि अरे अभी तो मैं एक ही राउंड करता हूँ, काश मैं 2 राउंड्स करने लग जाऊं, वो डिजायर रखना। अरे मुझे वृंदावन जाने का मन है, वो डिजायर रखना। मैं भी एकादशी रखना स्टार्ट कर दूं, ऐसी डिजायर रखना। मेरे को भी ये श्लोक लर्न करने हैं, ऐसी डिजायर रखना। वो डिजायर जो है हम रख सकते हैं, वो डिजायर रखना अच्छा है। लेकिन जो मटेरियल डिजायर्स होती हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो ना रखें, क्योंकि वो जितनी भी डिजायर्स हैं वो हमारी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही होती है। तो भौतिक इच्छाएं जो होती है ये आती क्यों है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि हम अपने आप को एक बॉडी समझते हैं। इस वजह से हम सबको अपना समझते हैं, ये घर मेरा, ये रिश्तेदार मेरे, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये पैसे मेरे। तो इस वजह से हमारी और डिजायर्स बढ़ती चली जाती है। अब जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं जो श्लोक नंबर 30, 31 एंड 32, ये 3 श्लोक रिलेटेड हैं। 30 में कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो कृष्णा क्या बता रहे हैं कि अगर जो कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं, जैसे कृष्णा ने बोला है कि अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं तो क्या होगा। अब कृष्णा बताएंगे कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो ये जो कर्म का जो बंधन है इससे हम निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कृष्णा बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है 2 चीजें। वो क्या है कि फेथ होना, सबसे पहले फेथ होना, और दूसरा ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम विश्वास की बात करते हैं तो एक लैडर है, वो मैं 1 मिनट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक लैडर दिखा रखी है। तो इसमें क्या है, भक्ति की जो 9 स्टेजेस होती हैं, 9 सीढ़ियां होती हैं, पहले हमें भक्ति तक ले जाती हैं जो 9 सीढ़ियां होती हैं। तो सबसे पहले आता है श्रद्धा या फेथ। भक्ति की जो सीढ़ी चढ़ने सबसे पहले जो सीढ़ी है वो है श्रद्धा या विश्वास की सीढ़ी है, क्योंकि ये सबसे पहली सीढ़ी है। तो बस थोड़ा सा विश्वास होना ये हमारे लिए काफी है। अगर हम थोड़ा सा भी हमें विश्वास है तो आती है फिर सेकेंड सीढ़ी। सेकेंड सीढ़ी क्या है, साधु संग, मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई में अच्छा होना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई में अच्छा होना है तो मैं क्या करूंगी, किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ ही रहूंगी ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे बहुत रिच बनना है, मुझे पैसे कमाने का बहुत वो है, तो मैं अमीर इंसान के साथ रहने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भक्तों का संग ढूंढेंगे। और अगर हम भक्तों के संग में आ जाते हैं तो वो जो तीसरी सीढ़ी है वो हम अपने आप ही चढ़ जाएंगे, और वो क्या है, भजन या कीर्तन। भक्तों के संग में आ जाएंगे तो आपको पसंद हो या ना हो, जो भक्त है ना वो कैसे भी करके आपको इन्वॉल्व कर लेंगे और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ाई देंगे। उसमें क्या है कि सिर्फ कीर्तन करना नहीं होता, भजन कीर्तन में सब आ जाता है, जैसे कृष्णा के बारे में बोलना, जैसे मैं बोल रही हूँ भजन कीर्तन है ये, आप सुन रहे हैं तो आप श्रवण कर रहे हैं, कृष्णा की बात करके हम कृष्णा का स्मरण कर रहे हैं, कोई भी अगर हम सेवा करते हैं, हम कृष्णा के लिए भोग बनाते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, तो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं सारे उसी में ही आ जाते हैं। अगली सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ और अनर्थ दो चीजें। अर्थ क्या है? कृष्णा का प्रेम पाना ताकि हम वापस कृष्णा के धाम जा सके, और अनर्थ क्या है? वो सब चीजें जो हमें कृष्णा से दूर लेके जाती हैं वो सब अनर्थ है, जैसे कि अहंकार होना, लोभ होना, ईर्ष्या होना, माया में फंसा होना, ये सब अनर्थ है। अपने आप को कंट्रोलर समझना, अपने आप को कर्ता समझना, ये सब अनर्थ है। अब जैसे जैसे भजन क्रिया में हम लगेंगे तो हमारे जो अनर्थ निवृत्ति अपने आप होने लगेगी। तब हम नाम जप करेंगे, भगवान के नाम का ध्यान करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उस पे जो लगी जो धूल है वो धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी अपने आप। जैसे कि मान लीजिए अगर वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा डाल देते हैं ना धोने के लिए, तो जो थोड़ा मैला कपड़ा होता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अगर हमारे में ज्यादा अनर्थ है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कम अनर्थ है तो एक वॉश में ही हम क्लीन हो जाएंगे। तो उस तरह से है। उसके बाद हमारी जब अनर्थ निवृत्ति होने लगती है धीरे धीरे, तो हम निष्ठा की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप था श्रद्धा, लेकिन फिफ्थ स्टेप है निष्ठा, और दोनों में फर्क है। श्रद्धा पहली सीढ़ी थी, वो था विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा थी, लेकिन निष्ठा मतलब दृढ़ विश्वास, एकदम मतलब अटूट विश्वास, उसको बोलते हैं निष्ठा। और उसके बाद क्या होता है? निष्ठा आती है, उसके बाद रुचि, नाम रुचि डेवलप होती है, भगवान के नाम में स्वाद आने लगता है हमें। फिर हमें अटैचमेंट, आसक्ति डेवलप होती है भगवान के नाम में। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या होता है? फिर हमें भगवान के लिए भाव आने लगते हैं, दिल से हम भगवान को हम कोशिश करते हैं कैसे भगवान को सर्व करें। और जो आखिरी स्टेप है वो है प्रेम, जहाँ हमें कृष्णा का प्रेम मिल जाए। और हाँ, यही एक डिवोटी के लिए जो बेस्ट है कि कैसे हमें कृष्णा का प्रेम मिल जाए। कि कोई भी डिवोटी है उनके लिए जो फाइनल, जो अल्टीमेट उनका जो गोल है वो यही है कि उनको कृष्णा का प्रेम चाहिए। तो इस श्लोक में कृष्णा ने दो चीजें बताई हैं, एक तो श्रद्धा और दूसरा बताया कि ईर्ष्या ना करना। तो अब विश्वास भी हमें ऐसे करना है कि जैसे मान लीजिए श्रद्धा की अगर हम पहले कंटिन्यू करें बात, तो श्रद्धा विश्वास, तो वो भी ऐसा नहीं कि हम किसी से भी मतलब किसी पे भी विश्वास कर लें। विश्वास भी मतलब ऐसा एक जेन्युइन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि हमें विश्वास है बट अगर हमें है नहीं। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। एक बारी ये स्टोरी है नारद मुनि की। तो एक बारी क्या होता है, नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे, मतलब वो जैसे तीनों लोग का भ्रमण करते हैं ना, वो भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो बैठ के ना शास्त्र पढ़ रहा था, पेड़ के नीचे, मतलब वो बैठ के शास्त्र पढ़ रहा था। तो उसने नारद जी को देखा तो भाग के गया नारद जी के पास, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत खुश हुआ कि ठीक है आप नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या उनके, जब आप उनके धाम वापस जाएंगे तो आप, मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताना कि वो क्या कर रहे थे। तो उनका ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके मतलब हाँ, फिर उसने ये बोला कि जब आप जाएंगे तो आप उनसे ये पूछना कि मैं कब उनके धाम वापस आऊंगा, फिर जब आप वापस आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। तो आप उनसे मेरे लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछना कि मैं उनके धाम वापस कब आऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है। तो ऐसे ही जब नारद मुनि आगे गए तो आगे जाके देखा तो एक मोची बैठा हुआ था, एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ था। तो वो भी बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण जो है वो शास्त्र पढ़ रहा था बैठ के, मोची बैठ के जूते सिल रहा था, वो भी बहुत खुश हुआ। वो भाग के गया और नारद जी को उसने भी प्रणाम किया और उसने भी यही क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप वहाँ जा रहे हैं, आप नारायण से मिलने जा रहे हैं, तो प्लीज जब आप जाएंगे ना तो आप उनसे पूछना कि मैं उनके धाम कब जाऊंगा, मैं मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान के धाम कब जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद मुनि जब गए वैकुंठ तो उन्होंने जो दो क्वेश्चन थे, ब्राह्मण का क्वेश्चन और जो पॉपुलर मोची का क्वेश्चन है, वो उन्होंने नारायण से पूछा कि कब वो आएंगे। तो नारायण ने बताया कि जो ब्राह्मण है वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते उसका कि वो कब आएगा, उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो जो नारद मुनि वो हैरान हो गए, ब्राह्मण तो बैठ के शास्त्र पढ़ रहा है, वो कैसे अभी नहीं जाएगा। तो बोले कि ठीक है, तो और मोची, इनका मोची तो मेरे पास अभी आ जाएगा। तो नारद जी बहुत हैरान हुए। तो नारद जी ने पूछा कि ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों कि भाई जो ब्राह्मण है वो तो अभी नहीं आएगा लेकिन मोची अभी आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुम जब नीचे जाओगे वापस वो तुम्हें मिलेंगे, तो वो तुमसे पूछेंगे कि नारायण क्या कर रहे थे, तो तुम कहना कि नारायण जो है वो एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो जो आंसर वो देंगे उनसे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ये जो बोला है मैंने ये क्यों बोला। तो नारद मुनि गए तो वैसा ही हुआ। ब्राह्मण ने पूछा कि नारायण क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान तो बहुत बिजी थे, वो एक हाथी को ना सुई के छेद में से निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण बोला क्या मजाक कर रहे हो, मतलब एक छोटे से छेद में से हाथी को कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाथी इतना बड़ा वो इतने छोटे से छेद में से थोड़ी ना निकल सकता है, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं, तो ऐसा तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। तो नारद मुनि समझ गए कि ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको विश्वास नहीं है, ये बस ऐसे ही शास्त्र पढ़ता है। सेम हुआ फिर नारद मुनि जब गए वो कॉबलर के पास, तो मोची ने पूछा तो सेम जवाब दिया कि जो भगवान है वो हाथी को सुई के छेद में से निकाल रहे थे। तो वो क्या बोला, कॉबलर क्या बोला, मोची वो बहुत खुश हो गया एकदम सब सुन के, कि एकदम खुशी से नाचने लगा। कि नारद मुनि ने बोला कि तुम नाच क्यों रहे, तो वो बोला कि कितने महान है मेरे प्रभु, कितने महान है, एक हाथी को सुई से निकाल रहे हैं, कितने महान है मेरे प्रभु, कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। तो नारद मुनि को बहुत उनको समझ में आ गया। वो बोला कि 15 साल से मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इस पेड़ से जो फ्रूट्स निकलते हैं मैं वो देखता हूँ, तो जब वो छोटे से बीज में से अगर वो इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं, उसमें से फ्रूट निकाल सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि समझ गए कि जो मोची है ये विश्वास करता है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो सिर्फ शास्त्र पढ़ रहा है, उसको विश्वास नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह हम शास्त्र तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें भगवान की वाणी में, जैसे भगवत गीता तो भगवान ने खुद ही बोली है, उसमें विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। और जैसे मैं बता रही थी विश्वास को बहुत रीजनेबल होना चाहिए। जो भी हम कोई भी हम जॉब करते हैं तो हमें उसमें विश्वास होता है कि हमें एक सैलरी मिलेगी। अगर मैं हम ऑफिस जाते हैं 1 महीना तो हमें विश्वास है कि 1 महीने के एंड में हमें सैलरी मिलेगी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे विश्वास है 4 साल कंप्लीट होने पर मुझे डिग्री मिलेगी। तो सिमिलरली विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। तो विश्वास के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी और स्टोरी याद आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टोरी है ये अर्जुनाचार्य की, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक ब्राह्मण होते हैं साउथ इंडिया के अर्जुनाचार्य। तो उनका काम क्या होता है, वो जैसे लीव्स के ऊपर भगवत गीता के जो श्लोक है वो ट्रांसलेट किया करते थे। और वो ब्राह्मण क्या करते थे, हर रोज सिर्फ मतलब 3 घरों में ही जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। वहां से अगर कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो भूखे रहते थे। तो एक बार ऐसे हुआ 3 घर में गए, उनको कोई प्रसाद नहीं मिला खाने के लिए। तो वापस आ गए, आके चुपचाप बैठ गए और मतलब ट्रांसलेट करने लगे। तो 9th चैप्टर का 22nd श्लोक अभी वो आएगा आगे, वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उसमें क्या लिखा था, भगवान उसमें क्या बोलते हैं भगवान कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताएं, वो भगवान कहते हैं मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ और जो भी उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो अब अर्जुनाचार्य ने सोचा कि भगवान तो इतने बड़ी है, मतलब वो थोड़ी ना पर्सनली ऐसे, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूँ तो थोड़ी ना वो पर्सनली करते होंगे। तो उन्होंने वो जो अल्फाबेट था ना वो कट कर दिया, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसे लिखते कि भगवान करवाते होंगे किसी के थ्रू। तो क्या हुआ कि वो अपना ऐसे लिख रहे थे ट्रांसलेट करते हुए, रख के फिर अपना जो है स्नान करने चले गए नदी पे। तो पीछे से 2 बच्चे आए, जो बहुत प्यारे से दिखने वाले 2 बच्चे आए और आके उन्होंने खाना जो है वो बहुत सारा खाना लेके आया और उन्होंने खाना वहां पे डिलीवर किया उनके घर पे। और बोला कि उनकी वाइफ को बोला, अर्जुनाचार्य की वाइफ को कि हम ये खाना जो है ये इतना सारा हमसे काम जो है अर्जुनाचार्य ने करवाया और उन्होंने बहुत मारा भी है हमें। तो वो बोले कि उनकी वाइफ बोली कि नहीं वो तो ऐसे मार नहीं सकते। तो उन्होंने दिखाया, उनकी पीठ पे ऐसे चोटें थी, ऐसे निशान थे। तो वो बहुत हैरान हुई उनकी वाइफ और बोली कि मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने उनको रोका कि तुम रुको, मैं खाना बना रही हूँ, तुम खा के जाना। बट वो रुके नहीं, जो दोनों बच्चे हैं वो चले गए। तो उसके बाद जब अर्जुनाचार्य वापस आए स्नान करके तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने पूरी स्टोरी बताई। तो वो भी हैरान हुए बहुत ज्यादा कि कौन थे, मैंने तो खाना भेजा नहीं, खाना कहाँ से आया। तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि जो 2 बच्चे आए थे वो खुद कृष्ण और बलराम थे। तो इससे क्या है, भगवान ने ये प्रूव किया है कि जो भी कुछ भगवत गीता में भगवान ने बोला है, जो वो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं प्रिजर्व करूंगा, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, तो वो पर्सनली करेंगे, जैसे वो पर्सनली वहां पे खाना उनके घर डिलीवर करने आए। तो भगवान ने यहाँ पे ये प्रूव किया। अब आगे चलते हैं। जो 32 श्लोक है उसमें कृष्णा बता रहे हैं कि अगर हम विश्वास नहीं रखते और ईर्ष्यालु होते हैं तो क्या होगा कि जो भी जो हमारा सारा ज्ञान है, वो सारा ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा, और जितना भी हमारे अंदर ज्ञान है वो सब नष्ट हो जाएगा, भगवान ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 33 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि ज्ञानवान मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने नेचर के हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी नेचर है, जैसे मेरा जो नेचर है, जो भी मेरा स्वभाव है, उसके हिसाब से मैं कार्य करूं, और हमें जो अपने स्वभाव को, नेचर को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए और भी अगर कोई है, कृष्णा ने ऐसे बोल दिया, नेक्स्ट श्लोक में फिर वो उसको बैलेंस भी करेंगे। वरना ऐसे में क्या होता है, रावण बोलता कि मेरा नेचर आसुरी था इसलिए मैंने सीता माता को किडनैप कर लिया। फिर अगर कोई भी ऐसे और भी आते असुर आके बोलते, वो बोलते हैं हमारा नेचर तो ऐसे है। गुस्से वाले लोग बोलेंगे हमारा नेचर ऐसे है। तो इसलिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में वो बोल रहे हैं कि हमें जो प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करें। तो शास्त्रों के हिसाब से जो 4 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो हम लोग इस्कॉन में फॉलो करते हैं। फर्स्ट है नो मीट ईटिंग, सेकेंड है नो इलिसिट रिलेशंस, फिर है नो इंटॉक्सिकेशन और नो गैम्बलिंग। तो ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो मेरा नेचर है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो भगवान ने कृष्णा को क्लियरली बताया कि जो कृष्णा ने अर्जुन को क्लियरली बताया कि हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अब आगे चल के बहुत एक इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन जो है वो अर्जुन पूछते हैं कृष्णा से कि बाय व्हाट, ऐसा क्या है कि जो सिंपल एक्ट्स है ना, अनविलिंगली हम उसमें एंगेज हो जाते हैं, कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। कई बार हमें लगता है कि कोई, जैसे हमारे साथ होता है, हमें पता होता है कि हमने किसी को कुछ बोल दिया, बाद में हम फील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे मुझे इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम बाद में पछताते हैं बहुत सारा। और मतलब ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं है, अगर हम महाभारत में भी एक सेक्शन आता है, महाभारत में भी अगर हम पढ़ें तो एक सेक्शन आता है जिसमें दुर्योधन वो बोलता है कर्ण से कि ऐसा नहीं कि मुझे धर्म का पता नहीं है, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, मगर मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता, मुझे धर्म के मार्ग पर चलना नहीं आता, ऐसा नहीं है, बट मुझसे हो नहीं पाता है। ऐसे ही रावण जो है उसे शास्त्रों का कितना ज्ञान था, बहुत ज्यादा उसको ज्ञान था शास्त्रों का, मगर फिर भी उसने जो सीता माता को किडनैप किया। कोई और ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में, किसी के दिमाग में आ रहा है कि जहाँ पता होते हुए भी, मतलब आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी हो जहाँ पता होते हुए भी कि ये चीज गलत है, फिर भी वो चीज किसी ने करी हो, किसी ने, मतलब किसी देवता ने या किसी इंसान ने, कहीं कोई स्टोरी हमने सुनी हो, कोई शेयर करना चाहेंगे किसी को कुछ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो याद आ रहा है कि आई थिंक शायद दुर्योधन को भी पता था कि वो जिन सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि पहले उस समय में बच्चों को शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी और दुर्योधन जानता था, बट क्योंकि वो भक्त नहीं था इसलिए वो अपने सिंफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसने समर्पण ही नहीं किया था श्री कृष्ण के आगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दुर्योधन का। ऐसे ही जैसे दुर्योधन को डेफिनेटली पता था, बट उससे, मतलब उसे रहा नहीं जाता था, धर्म पे ही चला ही नहीं जाता था। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकश्यप वो बहुत ज्यादा ज्ञानी था, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं था। जब उसका बड़ा भाई जो है हिरण्याक्ष, जब वो मरा था तो हिरण्यकश्यप ने पूरा सांख्य योग का ज्ञान दे दिया था, मतलब ये भागवतम में आता है, तो उसको भी बहुत नॉलेज थी। ऐसे ही एक अगर किसी ने स्टोरी सुनी हो तो ब्रह्मा जी की स्टोरी, कि ब्रह्मा जी भी जब कृष्णा धरती पे थे तो ब्रह्मा जी भी क्या था, ब्रह्मा जी को पता था कि वो कृष्णा है, बट फिर भी वो माया में फंस गए थे और उन्होंने कृष्णा को टेस्ट करने की कोशिश की थी। वो स्टोरी सुनी है आप लोगों ने जिसमें ब्रह्मा जी जो है वो कृष्णा के जो ग्वाल बाल फ्रेंड्स होते हैं और गैया होती हैं उन सबको वो लेके चले जाते हैं, 1 साल के लिए उनको कहीं बंद कर दिया था गुफा में। यस यस माता जी, हाँ। तो देखिए कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है ब्रह्मा जी 1 साल के लिए जब लेके चले जाते हैं तो पूरा 1 साल हो जाता है, फिर वापस आते हैं तो उनको वो माया से निकलते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या किया। तो मतलब ऐसा सबके साथ होता है, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये किसी के साथ होता है, ये इंसानों के साथ भी होता है, ये देवी देवताओं के साथ भी होता है। तो उसका आंसर क्या देते हैं भगवान कि ऐसा क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं श्लोक शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होता है, कृष्णा बहुत अच्छे से इसका क्या रीजन देते हैं। इसका कारण क्या है कि जो रजोगुण से संपर्क में अगर हम आते हैं तो जो उत्पन्न, उससे जो काम मतलब लस्ट, जो लस्ट होती है उसके बाद क्रोध का रूप वो ले लेती है और वही जो है वो ही सारा शत्रु है। तो अब ये जो काम शब्द है, कृष्णा ने जो काम शब्द को, लस्ट को ठीक से एक्सप्लेन किया है इसमें काम का जो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है भगवान ने, जो भी चीज हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी डिजायर हम रखते हैं अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी इच्छा हम रखते हैं अपनी टंग अगर जो है वो सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ खाना चाहती है, आइज जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहती है, देखना चाहती है, वो हर वो चीज जो हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं वो हर चीज लस्ट है, वो हर चीज काम है। और उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, प्रेम। मतलब काम का ऑपोजिट है प्रेम। और प्रेम क्या है, जो भी हम कृष्णा के लिए हम करते हैं, मतलब कृष्णा की अगर सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम करते हैं वो प्रेम है। तो अब जो काम है इसके भी दो पार्टनर्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई इच्छा हमने रखी तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी, वो डिजायर पूरी हो जाएगी, या नहीं होगी। अगर वो डिजायर पूरी हो जाती है तो क्या होगा, ग्रीड आएगा मन में, लोभ आएगा कि वाह मुझे और मिल जाए। लेकिन अगर वो डिजायर पूरी नहीं होती तो क्या आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा कि मेरी इच्छा ये पूरी कैसे नहीं हुई, मैंने तो इतना एफर्ट किया था, इतनी मेहनत की थी, मेरी इच्छा पूरी कैसे नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा मन में क्रोध आएगा। और तो काम की वजह से लोभ आता है या क्रोध आता है, ये दो चीजें आती हैं। और सेकंड लाइन में कृष्णा बोल रहे हैं कि काम कहाँ से आता है, मतलब मोड ऑफ पैशन रजोगुण से आता है। जो हमने 3 गुण पढ़े थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसमें जो है रजोगुण से जो काम आता है। अब आगे एक चलते हैं, मैं एक और स्लाइड शेयर करती हूँ। अब भगवान और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अब हमें पिछले श्लोक में समझ में आ गया कि काम क्या होता है। अब उसी के बारे में आगे बता रहे हैं कि ये जो काम है, ये जो है, ये जो लस्ट है, ये कवर कर देता है हमारी सोल को। तो अलग अलग लेवल की कवरिंग होती है, जैसे जो कवर कर देता है, जैसे कि एक हल्की कवरिंग होती है, बिल्कुल हल्की सी कवरिंग हो गई। उसमें क्या होता है कि उसके थ्रू हम फिर भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, अगर हम स्मोक को देखें, स्मोक जो है वो आग को कवर कर देती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाइट हमें स्मोक जो आर पार दिखाई देती है। और क्या होगा, इजी अगर हम पानी डालते हैं तो वो स्मोक हट जाएगी, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। दूसरा लेवल क्या है, इसमें क्या है कि जो लस्ट का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जो लेयर है वो थोड़ी ज्यादा मोटी होती है। जैसे कि शीशा है, शीशा पे बहुत मोटी मिट्टी का लेयर जमा हुआ है, तो उसे क्या होगा, अगर हम उसके सामने खड़े होंगे, शीशे के सामने, तो हम अपने आप को खुद से ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो उस शीशे को हमें गीला कपड़ा करके अच्छी तरह से रगड़ के साफ करना होगा, तो हमारी थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। अब तीसरा लेवल क्या है, जो बहुत मोटा लेयर है, बहुत मोटी परत है, वो क्या है, अगर कोई जो शिशु है वो अपनी माँ के गर्भ में है, वूम में है अपनी माँ के, तो एक अलग लेवल है कवरिंग का। तो उसमें हमारे आचार्य जो है वो बताते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हमें जो ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, हम फर्स्ट वाले लेवल में आते हैं। क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नाम जप करना है, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना इजी है। जो बर्ड्स एनिमल्स वगैरह आते हैं वो सेकंड लेवल में होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, उनको पहले इंसान की यूनिटी मिलेगी फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो थर्ड लेवल पे है वो ट्रीज जो होते हैं वो थर्ड लेवल पे होते हैं, उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, थर्ड लेवल पे जो होते हैं उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो इससे बाहर निकल सके। फिर कृष्णा बताते हैं कि जो नित्य वैरी मतलब नित्य मतलब इटर्नल, इटर्नल वैरी मतलब इटर्नल जो हमारा वैरी मतलब दुश्मन, जो इटर्नल वैरी है वो हमारा कौन है, वो हमारा ये काम जो है लस्ट है, ये हमारा इटर्नल वैरी है। और इटर्नल मतलब ऐसा नहीं कि अभी है दुश्मन फिर नहीं होगा अभी, ऐसे उस टाइप से नहीं, वो इटर्नली हमारा दुश्मन है। तो ये कृष्णा बता रहे हैं कि जो सेंसेस को सेटिस्फाई करने की जो हम डिजायर रखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है वो हम आग को घी दे रहे हैं, हमें क्या लगता है कि हम थोड़ा सा चलो ठीक है ये हमारी डिजायर आ रही है इसको पूरा कर लेते हैं तो हमारे जो सेंसेस है ना वो शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम एक्चुअली उसमें घी डाल रहे हैं, जो आग है उसमें हम घी डाल रहे हैं। जितना ज्यादा हम जो सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे हमारी और इच्छाएं जो है धीरे धीरे करके बढ़ती जाएंगी, और जब वो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो अल्टीमेटली फिर वही होगा कि क्रोध आएगा। और आजकल का जो जमाना है वो डिजाइंड ही इस तरह से है कि जो हमारी जो इच्छाएं है ना, डिजायर्स है, उनको और ज्यादा फायर मिले, और ज्यादा अग्नि मिले। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, मतलब घर से बाहर निकलेंगे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं नई गाड़ी के, न्यू कार, तो किस तरह से मतलब वो उनको पता है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो और ज्यादा डिजायर करती हैं और हमें इच्छा रहती है कि हम ये भी लें वो भी लें, बहुत ज्यादा हमारे डिजायर्स बढ़ती रहती है। तो अब क्या है, पिछले 2-3 श्लोक में कृष्णा ने जो प्रॉब्लम है वो बताया कि प्रॉब्लम क्या है, वो है लस्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम का हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम है लस्ट। अगले 2-3 श्लोक में कृष्णा उसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है, कि हमें पता है कि जो हमारा दुश्मन है वो कौन है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी युद्ध में जाते हैं, हमें पता है कि युद्ध में हमें युद्ध करना है, तो हमें पता है कि हमें किसको टारगेट करना है। अगर हमें यही नहीं पता कि टारगेट किसको करना है, कहाँ गोली चलानी है, तो हम कैसे उससे जीतेंगे। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन आखिर रहता कहाँ है। तो नेक्स्ट में कृष्णा बता रहे हैं कि जो लस्ट है, ये जो काम है, ये रहता कहाँ है। तो ये हमारी जो सेंसेस है उसमें रहता है, जो काम है वो हमारी सेंसेस में रहता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमारे जो सेंसेस में रहते हैं, हमें कैसे पता है? क्योंकि जो हमारी सेंसेस है वो हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर्स रखती हैं। दूसरा रहता है ये मन में, कैसे पता है? क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा मन एक्सेप्ट करना चाहता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो नहीं करना चाहता उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। और तीसरी चीज कौन सी जहाँ रहता है, वो बहुत ही मतलब खतरनाक प्लेस है, और वो है बुद्धि, क्योंकि वहां रह के ये फिर हमें पूरा अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो कृष्णा बता रहे हैं कि 3 जगह पे ये रहता है, मतलब जो हमारा दुश्मन है, नित्य वैरी है, इटर्नल एनिमी है, ये कहाँ रहता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कृष्णा कि जो काम आता है ये रजोगुण से आता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती तब आता है, तो हम इसमें पानी डालेंगे तो वो उससे चला जाएगा, कृष्णा बता रहे हैं। अब हमें 3 चीजें पता चली। कृष्णा ने बता दिया कि हमारा इटर्नल एनिमी कौन है, शत्रु कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और वो रहता कहाँ है। अब उससे बचना कैसे है, तो बचना कैसे है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इस चैप्टर का एंड है, जहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि हमें इस इटर्नल एनिमी से बचना कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो सेंसेस है उनको रेगुलेट करना है, उनको नियम में बांधना है, रेगुलेट करना है सेंसेस को। जैसे मान लीजिए कोई भी रूल हमें बनाना है, रूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं रूल बनाती हूँ कि मुझे 1 राउंड चैंट करना है, तो मुझे 1 राउंड चैंट करना है, हमें चाहे टेस्ट आए या ना आए, हमें चैंट करना है। इसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे जॉन्डिस का, कि जैसे जब जॉन्डिस होता है ना तो क्या होता है कि डॉक्टर हमें गन्ने का जूस पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम बीमार होते हैं, हमें बीमारी, हम डिजीज कंडीशन में है, तो हमें वो गन्ने का जूस कड़वा लगता है। तो सिमिलरली हमें जब अपने हम सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको रूल्स में बांधते हैं, तो सेंसेस हमारे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, बट वो रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट में कृष्णा क्या बता रहे हैं कि ये जो लस्ट है ये हमारा हमें टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, ये जो लस्ट है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर आगे कृष्णा बताते हैं इस चैप्टर के एंड में कि जो सबसे पहले तो मन है, बुद्धि है, और सबसे ऊपर जो है, जो वो बताते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो सोल है, और जो हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, ये सब हमारे सोल के नीचे हैं। अब कृष्णा वही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारी जो ये बुद्धि है, तुम उसको फीड कैसे करोगे, तुम अपनी सोल को फीड कैसे करोगे। तो कैसे फीड करेंगे कि हमें जो स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी है अपनी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं जिम जाती हूँ, मेरी कैपेसिटी 5 kg वेट उठाने की है और मैं हर रोज 5 kg वेट ही उठाऊंगी, तो आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो। तो सिमिलरली कृष्णा बोल रहे हैं अगर मैं स्पिरिचुअल पावर देती हूँ अपने आप को, अगर हम स्पिरिचुअल पावर देते हैं अपने आप को, तो हम ये जो हमारा इटर्नल एनिमी है लस्ट, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल पावर हम कैसे देंगे, हम भगवान का नाम लेके स्पिरिचुअल पावर दे सकते हैं उसको, हम भगवद गीता पढ़ के उसको पावर दे सकते हैं, हम किसी कोई सेवा में लग सकते हैं, हम अपनी सेंसेस को, जैसे हमने कल बात की थी, हायर टेस्ट देके हम उसमें लग सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी सेंसेस हैं ये हमें परेशान नहीं करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है 3rd चैप्टर कर्मयोग, ये फिनिश होता है यहाँ पे, जिसमें कृष्णा डिटेल में बताते हैं कि स्टेप वाइज बताते हैं कि हमें कैसे हमारा जो इटर्नल एनिमी है उसके बारे में बताते हैं, उसको कॉन्कर कैसे करना है वो बताते हैं, कर्मयोग का बताते हैं इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा 3rd चैप्टर आज फिनिश होता है। आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आज हमने जैसे विश्वास के ऊपर काफी डिस्कस किया। मेरा एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम पावर पे आई हैव सीन एंड इट इज विद मी आल्सो कि हम लोगों का विश्वास तभी क्रिएट होता है जब हमारी कोई डिजायर पूरी होती है। सो हेलो, यस माधुरी, आई एम लिसनिंग टू यू। तो बिना डिजायर के क्या विश्वास क्रिएट हो सकता है? देखिए माता जी, टू स्टार्ट विद भगवान क्या बोलते हैं 7th चैप्टर में ना, भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। मतलब भगवान के पास जाना भी बहुत इजी नहीं है। मतलब अगर आज आप यहाँ पे बैठ के ये भगवद गीता सुन रहे हैं ना, देन यू आर एक्चुअली वेरी लकी। बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम क्लासेस के लिए बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, बट हर कोई आता नहीं है, आ नहीं पाता है। तो उसके लिए भी मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम सुनना लेना भी ईजी नहीं है। तो 7th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो मेरे पास आ सकते हैं। तो कौन है वो 4 तरह के लोग? सबसे पहले तो वो जो डिस्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, मतलब जिनकी कोई तकलीफ है, तो वो डिस्ट्रेस में वो जाते हैं। जो लोग बहुत खुश घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, इट इज लिटिल डिफिकल्ट दैट दे विल गो। ठीक है। 2nd क्या है, जो सीकर ऑफ नॉलेज है। मतलब ये मैं आपको श्लोक बता रही हूँ जो भगवान ने खुद बोला है 7th चैप्टर में। 2nd इज सीकर ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज को सीक करते हैं कि कोई अगर उनको कोई नॉलेज चाहिए। 3rd क्या है, किसी को वेल्थ चाहिए अगर, तो वो भगवान की शरण में जाता है। और क्या है, जिसको कुछ और एक्सप्लोर करना है, जैसे कुछ विजडम एक्सप्लोर करनी है, कुछ ऐसा है। तो ये 4 टाइप के लोग ही भगवान की शरण में जाते हैं। और भगवान आगे क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई किसी भी भाव से आए, जब वो आ जाता है उसके बाद उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बदलने लग जाती है। तो जैसा आपका क्वेश्चन है कि हम यूजुअली भगवान के पास तभी जाते हैं जब हमारी डिजायर पूरी होती है। हर कोई वैसे भी नहीं जा पाता माता जी, बट आप अगर उस कंडीशन में जा रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। माय क्वेश्चन इज नॉट दैट हम जाते हैं, मेरा पर्पस है हमारा विश्वास तब क्रिएट होता है, यू नो, कि यस मुझे वहां से कुछ मिला, यू नो। हम तभी विश्वास की बात करते हैं। विश्वास तो तभी क्रिएट होता है ना कि यस मेरे को यहाँ से कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिली, मेरी कुछ डिजायर्स फुलफिल हुई। माय क्वेश्चन इज दिस। हाँ जी। तो इज इट राइट? तो ये बिना इसके भी विश्वास क्रिएट हो सकता है कि मेरी डिजायर पूरी होनी जरूरी है, तभी मुझे सुप्रीम पावर में ही विश्वास होएगा। माता जी, वो तो ना स्टेज होती है। इट इज स्टेज वाइज हम ग्रो करते हैं। अगर हम भक्तों का संग लेते हैं ना, तो आपके जो आप बोल रहे हो ना कि बिना डिजायर पूरी हुए, तो भक्तों के संग लेने से भी ऐसा हो सकता है। तो अगर टू स्टार्ट विद, देखिए हमें, हम बचपन से ऐसा ही सुनते आए हैं, देखते हैं कि हम कर्म कांड सुनते आए हैं बचपन से कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा। तो हमारी जो है सिचुएशन वैसी बन गई है कि हमें एक्चुअली लगता है कि हम कुछ मांगने के लिए ही जा रहे हैं भगवान के पास। अगर हमें ये मिल गया तो भगवान है, ये नहीं मिला तो भगवान नहीं है। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्तों का संग करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि भक्तों का संग करने के बाद आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, वो लोग कितने सेल्फलेस होते हैं। अगर डिजायर नहीं भी पूरी होती ना, तो भी आपका विश्वास धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगा। भक्तों का जो संग लेना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भक्तों का संग लेने से इतना फायदा होता है। माता जी का नेटवर्क चला गया शायद। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। मैम अभी आप ये जो काम का, हाँ यस मैम, काम का आप इंग्लिश लस्ट बोल रहे हैं, काम डिजायर भी बोल रहे हैं, तो कब समझ में आएगा कि लस्ट के टर्म में हो रहा है या डिजायर के टर्म में हो रहा है? जी माता जी, तो यहाँ पे मतलब आप अभी काम को लस्ट बोल रहे हैं, तो लस्ट का संस्कृत क्या हो रहा है? हाँ, तो काम को बोल रहे हैं, लस्ट डिजायर, काम को डिजायर बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो लस्ट है इसको हम काम बोल रहे हैं, उसको अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो काम ही है, ठीक है। उसका मैं मीनिंग समझा रही हूँ। आज तक तो हमें लस्ट का मीनिंग हम कुछ और शायद समझते थे, बट लस्ट का रियल मीनिंग जो हमें भगवद गीता पढ़ के समझ में आता है वो ये है, एनीथिंग दैट इज डन फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए मैं कुछ भी डिजायर रखती हूँ तो वो डिजायर लस्ट है, वो डिजायर काम है, ठीक है माता जी। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी डिजायर रखना। अच्छा, अगर तो जब काम क्रोध लोभ, तो जब हम लोग ये षड रिपु की बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सल्य, ये 6 रिपु की बात करते हैं जब, तो वो काम डिजायर भी हो सकता है, वो काम लस्ट भी हो सकता है। माता जी वही लस्ट है, वही जो है वो लस्ट है। और वो लस्ट क्या है? लस्ट का मीनिंग ही है ये, अपने लिए कोई भी डिजायर रखना इज लस्ट। अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कोई भी डिजायर रखना कि मेरे को ये खाना है, मेरे को बहुत अच्छा खाना है क्योंकि मुझे खाना है, ठीक है, मेरी जो टंग है वो सेटिस्फाई हो, तो दैट इज लस्ट। मेरे को बहुत अच्छा दिखना है, मेरे को बहुत अच्छा दिखने के लिए ये कपड़े खरीदने हैं, दैट इज लस्ट। सो एनी डिजायर विच इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ माय सेंसेस इज लस्ट। जी, और माता जी एक क्वेश्चन और है, अगर आपको ये याद हो, कि थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। महाभारत में जो आपने अभी एक कोट किया था कि दुर्योधन ने बोला था कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं कर पाता है, कुछ शायद ऐसा कुछ ये उसमें है, भागवतम में, महाभारत में आता है, दुर्योधन ने बोला। तो यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो प्रवृत्ति मतलब जितना मुझे समझ में आता है जो हमारा, आप समझाइए इसको प्लीज, प्रवृत्ति और निवृत्ति। माता जी ये दुर्योधन ने, एक छोटा सा सेक्शन आता है महाभारत में जिसमें दुर्योधन ने ये बोला है कि मुझे पता है, जैसे अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से, अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे पता है बट उसके बाद भी जो है मैं गलत काम, मतलब हम लोग क्यों फोर्सफुली गलत काम करते हैं, ऐसे हमारे अंदर कौन सी चीज है जो हमसे वो गलत काम करवाती है। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि वो जो चीज है वो लस्ट है। और जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ ये दुर्योधन का एक सेक्शन आता है महाभारत में जिसमें दुर्योधन बोलता है कर्ण से वो शेयर करता है कि वो बोलता है कि मेरे को पता है कि क्या है धर्म है, बट स्टिल मैं जो है उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ, वो उसका नेचर होता है। अब आप पूछ रहे हो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति मतलब जो भी सेंस एंजॉयमेंट है, हम जो भी सेंस एंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो प्रवृत्ति है, ठीक है। लेकिन और निवृत्ति क्या है? एनीथिंग विच इज डन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, मतलब हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, अगर हम भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करते हैं, वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वो होती है निवृत्ति। प्रवृत्ति का जो मार्ग है वो तो एनिमल्स भी, मतलब वो एनिमल्स के पास कोई सोचने का वो नहीं होता है ना, तो एनिमल्स भी प्रवृत्ति वाला मार्ग अपनाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट थिंकिंग पावर। तो वो जैसे आता है दे गो विद द फ्लो, सेंस एंजॉयमेंट करते रहते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति है। और निवृत्ति क्या है? निवृत्ति इज द मार्ग, द सेकंड मार्ग, दैट रेनुंसिएशन वाला मार्ग, जिसमें हम क्या होते हैं कि हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो होती है निवृत्ति। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। माता जी मैं पूछ रही, जैसे आपने बताया कि अभी भगवान तक पहुंचने के लिए हमें 9 सीढ़ियों की मतलब चढ़ने की आवश्यकता रहती है। माता जी मतलब मैंने थोड़ा सा रह गया था, तो 9 सीढ़ी मतलब माता जी आगे वाली कौन सी सीढ़ी आती है? वो मेरे से थोड़ा सा छूट गया है माता जी। एक मिनट, मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी माता जी, तो ये मैंने बोला था कि श्रद्धा से प्रेम तक मतलब 9 स्टेजेस होती हैं। तो श्रद्धा से प्रेम तक जाने के लिए बीच में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, हम श्रद्धा से प्रेम तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये वो था। तो श्रद्धा से पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग मिलता है, फिर हम भजन क्रिया करने लगते हैं। भजन क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं वो खत्म होने लगते हैं। फिर हमें फर्म फेथ मतलब एक निष्ठा होती है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि नाम रुचि आने लगती है। पहले तो हमसे चैंटिंग की नहीं जाती, भगवान का नाम हमारा लेने का मन नहीं करता, बट क्या होता है कि निष्ठा आ गई, अनर्थ भी हमारे चले गए, तो नाम रुचि आने लगती है हमें। फिर हम अटैच हो जाते हैं नाम से हम अटैच होने लगते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारे अंदर भाव आने लगते हैं भगवान के लिए, और फिर फाइनली जो है हम प्रेम भगवान के साथ फील करते हैं। ठीक है माता जी। माता जी आपने थोड़ा सा पहले बताया था कि मतलब भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, तो माता जी वो 2 चीज क्या थी? कौन सी 2 चीजें माता जी? माता जी आपने बताया था ना कि 2 चीज जरूरी होती हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ माता जी, मैंने ये बताया था, एक तो हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है भक्ति बढ़ाने का ही प्रोसेस है, ये जो 9 स्टेजेस मैंने आपको दिखाए हैं ये भक्ति बढ़ाने का ही प्रोसेस है। सबसे पहले विश्वास होगा, तो उसके बाद साधु संग मिलेगा, तो भजन करेंगे, ऐसे ऐसे करके 9 स्टेज हम प्रेम तक जब पहुंचेंगे ना, ये भक्ति बढ़ाने का ही प्रोसेस है। ठीक है माता जी, ठीक, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेन सोर्स तो लव ही है ना, प्रेम ही है ना। प्रेम मार्ग सबसे इजी भी है, और प्रेम से भक्ति मार्ग तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। और यदि हम काउंटिंग में जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। अनन्य प्रेम में तो किसी से भी, जैसे माँ का बच्चे से प्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली होता है, ऐसे कृष्णा से भी हम बहुत प्रेम करते जाएंगे, अति अति प्रेम। फिर अति प्रेम करेंगे तो इंद्रिय सुख भी अपने आप चले जाता है, वो सेंसेस, वो टेस्ट, लस्ट, कामना, डिजायर। प्रेम ऐसी वस्तु है ना, उसमें सब भूल जाता है मनुष्य। फिर अपना स्वार्थ, जब निस्वार्थ प्रेम होता है, और जो सांसारिक प्रेम है उसमें तो फिर हमारी डिजायर और बढ़ती है। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग है, इतना हम गीता का ज्ञान सुन रहे हैं अभी, अपने कल सकर्म और कर्म का बताया, विकर्म भी होता है। लेकिन जब कर्म सब श्री कृष्ण अर्पण, एक ही मुझे ऐसा लगता है कि एक ही पल्लू पकड़ते हैं चादर का, तो पूरी चादर तो हमारे हाथ में आ जाती है ना। तो मुझे प्रेम बहुत अच्छा लगता है। लव, सबसे प्यार करो, प्यार की दुनिया है, और जब प्यार है तो किसी के लिए नफरत रहती ही नहीं है, द्वेष है ही नहीं। तो ये बात बहुत इजी लगती है, एक ही कि सबसे प्यार करो, तो भगवान है ही है, ओत प्रोत है, और वो भक्ति सरल हो जाती है। बहुत अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या कृष्णा माता जी, माता जी जैसे आपने बताया कि रजोगुण, तमोगुण, ये सब सतोगुण चैन है, कोई लोहे की है, कोई चांदी की है, कोई सोने की है। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर सतोगुण भी चैन है तो फिर हम मतलब छुटकारा कैसे पाए, फिर हम कौन से गुण में स्थित रहे? फिर हम तमोगुण ही है, तमोगुण में ही रहते हैं। अगर सतोगुण भी चैन के रूप में है कि सोने की चैन है, तो फिर इंसान को कौन से गुण में स्थित रहना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अनर्था निर्वर्ती जो आपने अभी लैडर में दिखाया था, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब। ठीक है माता जी, तो आपके दो क्वेश्चन है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि आप सारी चेन्स हैं तो हमें किस में रहना चाहिए, ठीक है। तो माता जी डेफिनेटली सारी चेन्स हैं। अब इसमें कल वाली क्लास में थे आप माता जी, कल आप थे? जी माता जी। तो वो जो हमने महाराज निमी की स्टोरी पढ़ी थी, आपने देखा था वो सतोगुण में रहते थे, बहुत दान दक्षिणा करते थे, सतोगुण में रहते थे। तो उसमें क्या था कि सतोगुण में रहते थे तो वो पुण्य कमाते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रजोगुण में और तमोगुण के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। चेन किस लिए? क्योंकि वो हमें बांधते हैं, मतलब वो हमें उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे, तो इस वजह से वो भी चेन है। और हमें उन तीनों में से किसमें नहीं रहना। अगर हम भक्ति करेंगे, कर्म करेंगे, तो हम उन तीनों में से किसी में भी नहीं है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम तीनों में से किसी में भी नहीं काउंट होंगे। आप जो भी कर रहे हैं कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो हम तीनों में से किसी भी मोड में नहीं है, हम ट्रांसेंडेंटल मोड में है। वो ट्रांसेंडेंटल मतलब एक अलग ही मोड है जिसमें वो भगवान का ही मोड है, मतलब उसमें हम तीनों में से किसी मोड में नहीं आते। जी माता जी। जी माता जी, आपका सेकंड माता जी दूसरा क्या था माता जी? आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो अनर्था निर्वर्ती जो आपने जो वो दिखाया था कि 9 स्टेज होती हैं प्रेम तक जाने के लिए, तो अनर्था निर्वर्ती। जी माता जी, तो उसमें मैंने बताया था अर्थ क्या होता है। मैंने बताया था पहले तो अर्थ क्या होता है। अर्थ है कृष्णा का प्रेम पाना। और अनर्थ क्या है? मतलब अगर मैं सोचूं कि गुस्सा करना एक अनर्थ है क्योंकि गुस्सा मुझे कृष्णा से दूर लेके जाता है, मुझे भक्ति से दूर लेके जाता है, ठीक है। किसी से ईर्ष्या करना अनर्थ है, हाँ है, क्योंकि वो भी मुझसे कृष्णा से दूर लेके जाता है। तो अर्थ क्या है? कृष्णा से प्रेम करना। और उसका ऑपोजिट क्या है? वो है जो भी चीज मुझे कृष्णा से दूर लेके जाती है वो अनर्थ है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेरा अहंकार हो, वो मेरा लोभ हो, चाहे मेरी ईर्ष्या हो। तो कोई भी चीज अगर मुझे कृष्णा से दूर लेके जाती है तो वो अनर्थ है। और अनर्थ निवृत्ति का हमने क्या वो करा था कि जैसे हमारी जो चेतना है वो क्या है? हमारी चेतना पे बहुत ज्यादा कई करोड़ों जन्मों की मैल जमी हुई है। हम हर बारी इसी मतलब ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, हर बारी हम यही गलतियां करते हैं हर लाइफ में, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मैल जमी हुई है। तो उस मैल को हटाने के लिए क्या है, वो अनर्थ है, सारे हमारे ऊपर इतने जन्मों के अनर्थ है। लेकिन भगवान का नाम लेने से जो अनर्थ है वो धीरे धीरे करके जाने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। भगवान का नाम लेने से हमारे अनर्थ जाने लगते हैं, ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज आपने कि हम ये बॉडी है इसको किस तरीके से जो स्टोरीज 3 बताई ना, मतलब इतने अच्छे से समझ में आ गया कि जैसे होता है ना कि आज मतलब ये चीज गई है वाकई अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मालवी जी। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे प्लीज एक बार वो जो आपने अर्जुनाचार्य वाला जो एग्जाम्पल स्टोरी शेयर की थी ना जी माता जी, वो ना शायद मेरा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो वो ना स्टोरी का जो एंड था मोरल, वो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो वो दो जो स्ट्रीट से बच्चे आपने बताया था कि आए थे, उन्होंने ने हमें पीटा है और हमसे खाना भी बनवाया है, वो उस माता जी आपका नेट देना चाहते थे। जो जितना मुझे समझ में आया माता जी, आप कह रहे हो कि आप एंड नहीं सुन पाए शायद स्टोरी का। हाँ 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 हाँ, एंड नहीं सुन पाई मैं। यस माता जी, तो उसका एंड माता जी ये था जी। उसका एंड माता जी ये था, जो 2 बच्चे थे तो उन्होंने बच्चों ने आके दिखाया कि उनकी पीठ पे निशान थे, जो ऐसे मतलब ऐसे जैसे डंडे से मारते हैं ना वैसे निशान थे उनकी पीठ पे। तो अब अर्जुनाचार्य ने तो उन बच्चों को भेजा नहीं था, तो अर्जुनाचार्य ने तो उनको भेजा नहीं था, तो वो दो बच्चे कौन थे? उनको अर्जुनाचार्य की जो वाइफ है उन्होंने रोका, बट वो रुके भी नहीं, चले गए। तो उनको अल्टीमेटली समझ में आया कि जो वो दो बच्चे थे वो कृष्ण और बलराम थे। और उनके पीठ पे वो निशान क्यों थे? क्योंकि अर्जुनाचार्य ने वो जो श्लोक लिखा था ना, उसको श्लोक को काट के, जिसमें उसमें लिखा था कि वो वैसे पेन से काट के, जिसमें लिखा था कि मैं प्रिजर्व करता हूँ, वो काट के उन्होंने श्लोक का मीनिंग ही चेंज कर दिया कि नहीं, वो किसी के थ्रू करवाते होंगे। तो इस वजह से वही निशान जो है वो भगवान की पीठ पे आ गए। ठीक है माधुरी, एक क्वेश्चन है चैट पे, प्रेम टुवर्ड्स कृष्णा इज बेटर देन भक्ति, मीन्स फ्रॉम भक्ति एंड प्रेम वी शुड फर्स्ट सिलेक्ट प्रेम। माधुरी भक्ति एंड प्रेम, प्रेम इज भक्ति ओनली। जब हम भक्ति करते हैं हम कृष्ण से प्रेम ही करते हैं, मतलब अल्टीमेट तो डेफिनेटली अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट है वो प्रेम है, और उसका रास्ता क्या है? भक्ति। भक्ति एंड प्रेम इज सेम, आई डोंट सी एनी डिफरेंस। प्रेम तो बहुत ऊंची अवस्था है, प्रेम तो बिल्कुल लास्ट में जाके होता है, प्रेम थोड़ी ना ऐसे क्या साधारण इंसान को प्रेम मिल सकता है? भक्ति ही तो माता जी हमें प्रेम तक लेके जाती है। अगर हम सेल्फलेस भक्ति करेंगे, अगर हम विदाउट एनी डिजायर, मतलब एक बिजनेस नहीं करेंगे कृष्णा के साथ, भगवान के साथ कि हम ये करेंगे तो बदले में हमें ये चाहिए, हम बिजनेस नहीं करेंगे ना, हम अगर भक्ति करेंगे तो वो भक्ति अल्टीमेटली हमें प्रेम तक ही लेके जाएगी। हमारा जो एंड रिजल्ट है वो प्रेम ही है। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हाँ, मीन्स भक्ति का रिजल्ट प्रेम होता है, राइट? यस माता जी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। जो डिवोशनल सर्विस है माता जी, जो भक्ति है वो बहुत जरूरी है। सर्विस जो भक्ति का भाव है, सेवा करने का भाव, वो बहुत जरूरी है। उससे धीरे धीरे करके हमारा प्रेम एकदम डेवलप हो जाता है। माता जी एक दिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता दीजिएगा और नवदा भक्ति को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि भक्ति का परिपक्व अवस्था जाके कभी जाके प्रेम में होता है, तो प्रेम तो ऐसे ही नहीं मिलता है, वो परिपक्व अवस्था होता है, इस तरीके से नहीं मिल सकता। लेकिन आप ये नवदा भक्ति और चैतन्य महाप्रभु का स्टोरी थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। जी माता जी, डेफिनेटली वो हम अपने किसी सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। आगे की जो क्लासेस आ रही हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, तो हम पूरा एक सेशन भी कर सकते हैं जब आप लोग अवेलेबल हो तो हम और नवदा भक्ति के ऊपर भी एक पूरी हम क्लास कर सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे। जी माता जी। ठीक है, तो अभी कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। मीनाक्षी माता जी, और तो कुछ नहीं है ना, वी कैन एंड द क्लास। यस माता जी, एक रिक्वेस्ट करनी है कि फीडबैक फॉर्म और क्विज सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्विज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो इसलिए सबको ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वो ट्यूसडे तक ओपन रहेगी। आप ऐसा नहीं है कि आज ये अटेम्प्ट करनी है, आप कल भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्यूसडे को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, मुझे जो क्वेश्चन आते हैं, हमने क्वेश्चन फिल कर दिए तो उनके हमें ये तो पता चल जाता है कि ये रॉन्ग है हमारा आंसर, लेकिन उसका सही आंसर क्या है वो हमें पता नहीं चल पाता कि हमने कहाँ पे क्या गलती की है। तो माता जी उसका कुछ पता है? या इज राइट, बिकॉज़ नो द राइट आंसर। हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे ट्यूसडे तक ओपन रहेगी तो हम वेडनेसडे को उसके आंसर्स पोस्ट कर देंगे विद द क्वेश्चन। तो अगर आपको स्टिल उसमें कोई डाउट होगा तो आप हम लोगों को कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये इसका आंसर यही क्यों है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक देते तो हम लोगों को भी आइडिया, हम लोगों को भी समझ में आता है कि कहाँ हम लोग और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम यही करेंगे, जो वेडनेसडे को है उनके आंसर्स हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण प्रभु की। हरे कृष्ण।